हेलो बाबेवन, आपने ट्यून किया सोशलाइज़र और आप हैं हमारे कंपैरिजन के सेक्शन में। तो आज हम अपने कंपैरिजन की सीरीज़ में इंडिया और नेपाल को कंपेयर करेंगे। रीज़न इसलिए है क्योंकि दोनों कंट्री के बीच में अभी सडन में एक कन्फ्लिक्ट रेज हुआ है कुछ एरिया को लेकर। तो चलिए हम इसका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं इंडिया और नेपाल में क्या क्या कंपेयर करने लायक है और दोनों कंट्री किस तरह एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले आते हैं और देखते हैं कि इंडिया और नेपाल का एरिया कंपैरिजन कैसा है। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का। वहीं नेपाल का देखा जाए तो ये करीब 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर का है, जो इंडिया का केवल 2% है। अगर हम वाटर परसेंटेज की बात करें तो इंडिया में कुल मिलाकर वाटर परसेंटेज जो एरिया है वो 9.6% है, वहीं नेपाल में केवल 2.8% वाटर उसकी इनलैंड में प्रेजेंट है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन 135,26,42,280 है, जो पूरे विश्व में सेकंड रैंक पे है। वहीं नेपाल की ये करीब 2,80,95,714 है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इंडिया में एक किलोमीटर स्क्वायर में 406.5 लोग रहते हैं, वहीं नेपाल में ये 180 पर किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम जीडीपी नॉमिनल की बात करें, ध्यान रखिएगा जीडीपी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो जीडीपी नॉमिनल है जो बहुत ही फेमस है पूरे विश्व में, जो मेन जिससे कंपैरिजन होता है, उसमें भारत की इकोनॉमी 3.202 ट्रिलियन बताई गई है, जो विश्व में 5th रैंक पर है। वहीं नेपाल की ये 30 बिलियन है, जो नेपाल से 1,000 गुना ज़्यादा है। नेपाल अगर इसी रैंकिंग की बात करें तो नेपाल जीडीपी नॉमिनल में 101 रैंक रखता है। नेक्स्ट कंपैरिजन है हमारा एचडीआई, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसको यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आता है। अगर एचडीआई की बात करें तो इंडिया की इसमें रैंकिंग 129th है, वहीं नेपाल की 147। अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो इंडिया को 0.647 मिलता है, वहीं नेपाल को 0.59। अगर हम गिनी रेशियो को देखें, गिनी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि एक कंट्री में कैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इंडिया 79th रैंक पर आता है, जहां पर 33.9 गिनी रेशियो इंडिया को मिले हैं। वहीं गिनी रेशियो में नेपाल का पॉइंट्स 32.8 है और वो इसके हिसाब से 115th रैंक पर आता है। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, यानी कि फॉरेन जो करेंसी है उतना रिजर्व किसी कंट्री के पास कितना है, तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 501.703 बिलियन डॉलर्स का है, वहीं नेपाल का केवल 8.2 बिलियन डॉलर्स। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज डेप्थ की बात करें, यानी कि किसी कंट्री ने कैसा लोन लिया है दूसरी कंट्री से, तो इंडिया में जो इंडिया ने जो लोन लिया है पूरे अलग कंट्री से वो है 26.332 बिलियन डॉलर्स का। और आपको बता दें इसमें करीब 80% जो लोन है वो इंडिया ने जापान से लिया है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल 8.766 मिलियन डॉलर्स लिया है। अब यहाँ पर एक बात आपको जाननी होगी कि जितना ज़्यादा लोन होने से मतलब ये नहीं है कि कंट्री ज़्यादा लोन से ग्रसित है। इंडिया बड़ी कंट्री है इसलिए वो ज़्यादा लोन दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया का लोन कंपैरिजन विथ नेपाल ज़्यादा है या कम है। अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, यानी कि CPI, जो किसी कंट्री में किस प्रकार से करप्शन फैला हुआ है उसके बारे में बताता है, तो इंडिया वर्ल्ड में 80th रैंक पर आता है, 80वीं रैंक उसको दी गई है 2020 के हिसाब से। वहीं नेपाल इसमें 113वीं रैंक रखता है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इंडिया इसमें लैग बिहाइंड करता है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट करंट में कोरोना वायरस को हम लेकर बात कर रहे हैं 11.6% है, वहीं नेपाल का केवल 1.25% है। देखिए यहाँ पर चेंज इसलिए दिख रहा है क्योंकि नेपाल छोटी कंट्री है, इसलिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अच्छे से पूरी कंट्री में फैला हुआ है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, जो ये बताता है कि आपके रुपए
किस प्रकार समय के हिसाब से उनकी कीमत बढ़ रही है घट रही है, उसमें देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट हर कंट्री का अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया का अगर इन्फ्लेशन रेट करंट में 5.5% है, वहीं नेपाल का 4.64% है। इसका एवरेज 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। इंडिया भी इससे दूर नहीं है और ना ही नेपाल। लिटरेसी रेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी दो कंट्री के बीच के कंपैरिजन का, उसमें इंडिया 74.04% लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में है, वहीं नेपाल में 67.9% है, तो नेपाल इसमें पीछे है। फाइनली हम चलते हैं थोड़ा डिफेंस की तरफ। डिफेंस में बात करें तो आर्मी, अगर इंडिया की आर्मी की बात की जाए तो इंडिया की आर्मी में जो एक्टिव सोल्जर्स हैं उसमें एक्टिव सोल्जर्स की पूरी गिनती है 12,37,170। वहीं रिजर्व में इंडिया के पास 9,60,000 सैनिक हैं। तो कुल मिला के इंडिया का टोटल जो आर्मी है वो करीब 21 लाख की है। वहीं नेपाल की बात की जाए तो एक्टिव पर्सनल में नेपाल के पास 95,000 है, वहीं जो रिजर्व में है वो 50,000 रिजर्व सैनिक हैं उनके पास। अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास कुल मिलाकर 1,696 यानी कि 1,696 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं नेपाल के पास 19 एयरक्राफ्ट हैं। फाइनली अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो इंडिया के पास कुल मिलाकर 120 से लेकर 130 के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वहीं नेपाल के पास 0 से लेकर 5 या 5 से लेकर 10 के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन इंडिया नेपाल। सो बने रहिए हमारे साथ, नए कंपैरिजन वीडियोस में आते रहेंगे और भी नए नए टॉपिक्स पर हम बात करते रहेंगे। सो ऑफकोर्स जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर। साइनिंग ऑफ।